अनुज, आज तो हम बात करें हैं नोज पिंस और नोज रिंग्स की। वैसे अनुपमा तो चाहे कुछ भी पहन ले, वो आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा ही देती हैं। लेकिन क्या गजब की खूबसूरत लगती हैं जब वो पहनती हैं उस महाराष्ट्रीय नत को। वाह वाह वाह, चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा अनुपमा के पास और देखते हैं आज क्या हो रहा है इनकी कहानी में नया। अनुज बने अनुपमा के आशिक। प्यार में शर्माई अनुपमा। अनुज अनुपमा का पहला प्यार। स्टारप्लस की सीरियल अनुपमा में इन दिनों अनुज उन दिनों को जी रहे हैं जब उन्हें अनुपमा से पहला प्यार हुआ था। इसीलिए देखिए अनुपमा के कॉलेज के पहले दिन ही वो अनुपमा को छुप कर आशिकों की तरह निहार रहे हैं और अनुपमा भी चोरी चोरी छिप कर अनुज को प्यार का पहला खत दे रही हैं। होता है सबको होता है। तुम लोग को नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करो। वाह भाई, आशिक हो तो ऐसा जो अपने प्यार का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। और तो और अनुपमा भी जानती है कि अनुज उसका छिप कर दीदार कर रहा है और इसका सबूत खुद अनुज ने भी अनुपमा को दे ही दिया। 90s की फिल्मों में कॉलेज में सिर्फ रोमांस होता था, पर मेरी कॉलेज लाइफ में रोमांस छोड़ के सब कुछ था काना जी, बस रोमांस नहीं था। खैर कोई बात नहीं, 2022 में मैं सारे अरमान पूरे कर लूंगा। अनुपमा और अनुज की आशिकी चल रही है तो वहाँ वनराज पाखी को लेकर टेंशन में है और चाहता है कि अनुपमा घर आकर पाखी को संभाले। लेकिन अनुपमा ने वनराज को साफ साफ आदेश दे दिया है कि उसे 4 घंटे तक कोई भी डिस्टर्ब ना करे। मुझे पाखी के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। सूर्या, मिस्टर शाह, पर हफ्ते में 3 दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मैं अपनी क्लास में रहूंगी और तब मैं किसी का भी फोन नहीं उठाऊंगी, किसी का भी नहीं। अरे कैसे नहीं उठाओगे, ये हमारे बच्चों की बात है, तुम्हारे लिए बच्चे इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? है, पर मेरे लिए मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। और तोसु और पाखी का तो हमेशा चलता रहेगा, उन्हें हमेशा जरूरत रहेगी और मैं उनके लिए खड़ी रहूंगी, लेकिन ये 24 में से 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ मेरे रहेंगे। तुम्हारी बच्ची को तुम्हारी जरूरत है अनुपमा। पहली बात, वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो हर समय उसकी उंगली पकड़ कर रहना पड़े। अगर वो अपनी शादी के लिए लड़ सकती है, अपनी माँ को गाली दे सकती है, अपने घर वालों को झूठ बोल के बॉयफ्रेंड के साथ होटल में अकेले जा सकती है, तो वो थोड़ी देर के लिए इंतजार भी कर सकती है। माँ, अगर तुम नहीं आई तो उसे कौन संभालेगा? आप है ना, आप संभालिए। और तुम क्या करोगी? मैं कॉलेज में पढ़ाई करूंगी,
ये मेरा हक है। एक बार पहले छीना जा चुका था, लेकिन अब मैं किसी को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। प्लीज शट अप अनुपमा। आप शट अप। अच्छी तरह से जानते हैं वहां क्या हुआ होगा। स्वीटी ने कुछ नाटक किया होगा, आपको धमकी दी होगी, कुछ बकवास की होगी, और आपने डर के मारे घबरा के मुझे फटाफट फोन कर दिया कि अनुपमा जल्दी आ जाओ। देखिए, ये उसका रोज का है, ये हरकतें वो रोज करती है, ये नाटक वो रोज करती है। अब आपकी मर्जी कि आप इसे लेकर कितना चिंता करते हैं, कितना नहीं करते। मेरे लिए मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ मिस्टर शाह, अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। हफ्ते में 3 दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मैं अपनी क्लास में रहूँगी, और तब मैं किसी का भी फोन नहीं उठाऊँगी। अब कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब फ्री टाइम मिले तब फोन करूँगी। जय श्री कृष्ण। ये सुनकर वनराज और बा दोनों को ही गुस्सा आ गया। कॉलेज क्या ज्वाइन किया, मैडम के तो तेवर ही बदल गए हैं। बेटी से ज्यादा कॉलेज इंपॉर्टेंट हो गया है। लेक्चर अटेंड करना मैडम को, बेटी गई भाड़ में। इसीलिए ना मैंने उसकी पढ़ाई छुड़वाई थी। वो मोटी बा और तेरे बापूजी तो पीछे पड़ गए थे पढ़ाने के लिए, पर मुझे बराबर पता था कि अगर वो कॉलेज गई ना तो सारी जिम्मेदारियां भूल जाएगी। देख आज वही हो रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अनुज पति है कि क्या है। चोरों का गुलाम, जब देखो तब जो हुकुम मेरे आका करता रहता है। खैर, गुस्से में आकर वनराज ऐसा फैसला लेगा जिससे पाखी और अधिक दोनों की ही जिंदगी में आ जाएगा ट्विस्ट। कि पाखी को मैं इस शहर से दूर भेज दूंगा। वनराज अंकल ऐसा नहीं कर सकते। अनुज आप प्लीज एक बार उनसे बात करो, उनको समझाओ। अनुज यू हैव टू डू समथिंग। अनुज प्लीज रिलैक्स बॉय। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।